अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद शफी अगेन फ्रॉम मिर्चावाला ज़ब ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज भी हम एक बड़ी ही ज़बरदस्त एजुकेशन बेस्ड वीडियो आपके लिए लेके आए हैं रिगार्डिंग करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जिसमें एक बड़ा अहम मसला मुल्क के अंदर इस टाइम चल रहा है, एक्सचेंज रेट्स डॉलर रेट्स का। अच्छा, पाकिस्तान में या किसी भी और मुल्क में हिस्टोरिकली जो है वो दो एक्सचेंज रेट्स की प्रेजेंस होती थी। एक को कहा जाता था इंटर बैंक रेट, जिस पर बैंक एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे, पब्लिक उस रेट पर बाय नहीं कर सकती। और एक होता था ओपन मार्केट रेट, जिसमें आप पब्लिक जनरल पब्लिक एक्सचेंज मार्केट में जाके करेंसी एक्सचेंज के पास जाके किसी से भी वो खरीद सकती थी। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में तीन एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं। एक एक्सचेंज रेट चल रहा है इंटरबैंक रेट, ठीक है, जिसको बहुत से लोगों की राय के गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा हुआ है और कुछ हद तक सही भी है। दूसरा चल रहा है एक्सचेंज रेट, कि आप करेंसी एक्सचेंज जाएँ और वहाँ से उनको बोलें कि भाई मुझे डॉलर चाहिए तो वो इस रेट पर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरबैंक रेट इस टाइम 28 रुपये एज आई स्पीक। और एक्सचेंजेस में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है 232, 233, 236, बट जब आप उनके पास जाके कह रहे हैं कि मुझे एक करेंसी चाहिए तो वो कह रहे हैं हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसने पाकिस्तान में तीसरा रेट क्रिएट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे मार्केट रेट, जिसमें 255, 260, 265, 270 की आवाज़ें आ रही हैं। और ऐसा नहीं है डॉलर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, डॉलर्स पाकिस्तान में जिन रेट्स पे गवर्नमेंट चाह रही है या एक्सचेंज कंपनीज चाह रही हैं उन रेट्स पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये ग्रे मार्केट जो क्रिएट हो गई है तो बहुत से लोग इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का शिकार है। एक पब्लिक ये कह रही है अरे भाई इससे कुछ नहीं होता है, क्या हुआ डॉलर रेट बढ़ गया तो, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये चीज़ बहुत मुनासिब नहीं है और मसले। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूँ आप सबको कि ये चीज़ एक्सट्रीमली डेंजरस और प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के लिए। कैसे? देखें, अब हुआ ये है कि जब डॉलर्स जो हैं वो 227 रुपए का इंटरबैंक रेट लॉक हुआ है और वो एक्सचेंजेस के पास भी डॉलर्स नहीं है, तो पब्लिक ट्रेडिंग करिए ग्रे मार्केट। अब इससे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान अपनी नीड्स ज़रूरियात पूरी कैसे करते हैं? पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़ाहिर है इम्पोर्ट्स पे रिलाई करता है। अब मिसाल के तौर पे आपने ऑयल, मेडिसिन, पेट्रोल, फ्यूल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ आपने इम्पोर्ट की है उसकी आपको पेमेंट करनी है डॉलर्स में। अब वो डॉलर्स आते कहाँ से थे? डॉलर्स आने के दो मेन सोर्सेज थे, एक रेमिटेंसेस जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे मिडिल ईस्ट में, US, UK, यूरोप में जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो वहाँ पे काम कर रही थी और वहाँ से डॉलर्स भेज रही थी, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। तो एक तो वहाँ से हम अपनी डॉलर्स की ज़रूरत पूरी कर रहे थे, ज़ाहिर है हमें इम्पोर्ट किया, हमें पैसे देने तो हमें डॉलर्स चाहिए तो सही ना, तो एक तो हम ज़रूरत वहाँ से पूरी कर रहे थे। दूसरी ज़रूरत हम पूरी कर रहे थे एक्सपोर्टर्स हमारे जो हैं टेक्सटाइल या दूसरे एक्सपोर्टर्स, वो जब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे तो उनके पास भी पेमेंट डॉलर्स में आती थी। तो स्टेट बैंक के पास ये दो जगहों से डॉलर्स आते थे तो वो अपनी इम्पोर्ट की ज़रूरियात पूरी करता था। अब क्योंकि ग्रे मार्केट का रेट इतना हाई हो गया कि चाहे रेमिटेंस भेजने वाला बंदा है वो कहता है मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल से क्यों भेजूं भाई, वहाँ मैं अगर बैंक के चैनल से भेजूंगा तो मुझे 227 रुपए का रेट मिलेगा, और मैंने पिछली वीडियो बनाई भी है उस पर हुआ भी है। और अगर मैं ग्रे मार्केट को यूज़ करूँगा तो उसमें मुझे 260 का रेट मिलेगा, तो मुझे तो $1,000 पे ही 40-50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, तो मैं इसको क्यों करूँ? तो वो यूज़ कर रहा है ग्रे मार्केट। तो जब वो ग्रे मार्केट यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक के पास पैसे आ नहीं रहे क्योंकि वो बैंकिंग चैनल यूज़ नहीं कर रहा, वहाँ नुकसान हो रहा है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स अगर ग्रे मार्केट यूज़ भी नहीं कर रहे तो एक्सपोर्टर्स को पता है सूनर और लेटर ये जो इंटरबैंक रेट और ग्रे मार्केट रेट में इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ये कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट होकर ऊपर जाएगा, तो वो उस ऊपर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो एक्सपोर्टर्स अपने जो डॉलर्स उनके पास मौजूद हैं बाहर के ममालिक में कस्टमर्स के पास वो मंगवा नहीं रहे, तो स्टेट बैंक के पास वहाँ भी से भी डॉलर्स नहीं आ रहे, तो ये चीज़ें बिल्कुल ड्राई अप हो गई हैं और इस वजह से मुल्क में डॉलर्स की शदीद शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और ये जितना जल्दी इंटरबैंक रेट और ग्रे मार्केट रेट के डिफरेंस को ख़त्म किया जाए वो बेहतर है, ताकि मुल्क में रेमिटेंसेस के थ्रू और एक्सपोर्टर्स के थ्रू एक्सपोर्टर्स अपने डॉलर्स मंगवा लेंगे तो वो गैप कम हो जाएगा और इफेक्टिवली फिर स्टेट बैंक के पास उतनी शॉर्टेज नहीं होगी जितनी अब क्रिएट हो गई है। तो ये एक वाकई जेन्युइन इशू है, तो लोग मुझसे कह रहे थे इसको एड्रेस करें, मैंने एड्रेस कर दिया। होपफुली, बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।